हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे ईवीएस पार्ट टू में चैप्टर थ्री लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें आंसर इन ब्रीफ हम देखने वाले हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको दे रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, जो आपका थर्ड लेसन है वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ जो लेसन है वो आपको ध्यान से पढ़ना है दो बार, और उसके बाद ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप पढ़ो तो आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यही नोट्स आपको पीडीएफ रूप में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, क्योंकि हम वहीं पे हमारे पीडीएफ नोट्स देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम की लिंक है, आप उस लिंक पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ रूप में भी मिल सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर हम टेस्ट पेपर तो देने वाले हैं ही, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम इसमें देने वाले हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब बिगिनिंग ऑफ लाइफ, अर्थ पे जो लाइफ बिगिन हुई थी तो वो कैसी थी। दोस्तों, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। After the formation of the earth, it took about 80 crore years for its surface to cool down and for water bodies to be formed on it. It is believed that the various kinds of unicellular organism or living things first appeared in water. Gradually, multicellular living things developed from these unicellular ones. मतलब क्या है दोस्तों कि अर्थ ही ऐसा एक प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट है, और जो अर्थ का जो फॉर्मेशन था वो करीब 80 करोड़ इयर्स एगो था। मतलब क्या है दोस्तों कि अर्थ ही ऐसा एक प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट है, और जो अर्थ के फॉर्मेशन है वो करीब 80 इयर्स था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सरफेस था वो कूल डाउन होने के बाद वहां पे वाटर बॉडीज फॉर्म अप हुई, और उसमें क्या हुआ दोस्तों कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वहां पे थे, और उन्हीं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लिविंग थिंग्स जो थे वो फर्स्ट कहां पे अपीयर्ड हुए, वो वही वाटर में अपीयर्ड हुए, और फिर जो यूनिसेल्युलर थे उनसे फिर मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स डेवलप होने लगे, और इस तरह से जो लाइफ थी वो बिगिन हो गई अर्थ पे। सेकंड है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स ब्रीथ, एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पजेस, एंड एनिमल्स ऑफ सम स्पेसिस ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बॉर्न आउट ऑफ एग्स। एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पेसिस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो दोस्तों, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स ब्रीथ कर सकते हैं, एनिमल्स अपने फूड के लिए या फिर अदर कुछ पर्पस के लिए यहाँ से वहां मूव होते रहते हैं। एनिमल्स कुछ एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के स्पेसिस जो होते हैं वो एग्स देते हैं, और कुछ क्या यंग वंस को बॉर्न करते हैं। तो दोस्तों, ये है एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है, हाउ वेयर द सन एंड द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम क्रिएटेड। सो यहाँ इसका आंसर है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इट इज नाउ बिलीव्ड दैट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड वॉज फॉर्म्ड इन स्पेस। Its circular motion and great speed caused it to divide into several portions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. जैसे कि दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च से हमने ये पता लगाया है कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, एक जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनॉर्मस क्लाउड जो हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पिनिंग का था, वो एक ग्रेट स्पीड से क्या हुआ था, स्पेस में फॉर्म हुआ था, और बाद में क्या हुआ था कि ये डिवाइड हुआ सेवरल पोर्शंस में, और उससे क्या हुआ कि सन और प्लैनेट्स है वो फॉर्म अप हुए थे, और वही
वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व अराउंड द सन होते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चंस जो मैंने आपको आपके लिए निकाले हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो आपको दोस्तों जो लेसन है वो आपको दो बार रीड करना है, बाद में आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।